कार्यालय में भ्रष्टाचार के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यालय में बड़े गिरोह का संकेत मिला है, जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई। देखिए, इसको जब इसके लिए कमेटी बनाई थी उस दिन सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे, और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है, हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू करें। बड़े गिरोह के रूप में और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं, और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें SIT का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, और मैंने स्वयं जाकर वहां पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। चमोली में पेयजल निगम के कार्यालय में एक शख्स ने सहायक